स्पा सेंटर की आड़ में जिसमें फरोशी का धंधा फल फूल रहा था। चार स्पा सेंटरों पर पुलिस ने की छापेमार कार्रवाई, 13 युक्तियां और युवक धराए। स्पा संचालक और एक मैनेजर पर कार्रवाई, शहर में मचा हड़कंप। बताते चले कि जिला मुख्यालय बैढ़न में स्पा सेंटर के आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट पर पुलिस कप्तान की टीम ने चार अलग अलग स्पा सेंटरों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 13 युक्तियां और युवकों को धर दबोचा है। इस कार्रवाई में स्पा संचालक और एक मैनेजर पर कार्रवाई की गई है। पुलिस के द्वारा की गई रेड कार्रवाई के बाद शहर के स्पा सेंटरों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। इस कार्रवाई के बाद कई स्पा सेंटरों में ताला लगाकर संचालक फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी ने जानकारी देते हुए बताया कि काफी लंबे अरसे से स्पा सेंटरों को लेकर जानकारी मिल रही थी। स्पा सेंटरों पर रेड कार्रवाई करने के लिए 6 टीमें बनाई गई थी। इस टीम के नेतृत्वकर्ता महिला थाना प्रभारी अर्चना द्विवेदी और TI अशोक सिंह परिहार और मनोज सिंह रूपा अग्नोत्री के नेतृत्व में रेड कार्रवाई की गई, जहाँ इस रेड कार्रवाई में 4 स्पा सेंटरों पर एक साथ टीम ने छापा मारकर कार्रवाई की, तो 2 स्पा सेंटर 777 और सुधांशु अंजलि स्पा सेंटर से 13 युक्तियां और युवकों को पकड़ा गया है। वहीं हम आपको आगे बताते चले कि पुलिस कप्तान ने आगे बताया कि स्पा सेंटर 777 के मैनेजर और सुधांशु अंजलि के संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कप्तान ने कहा कि स्पा सेंटरों में जो युक्तियां और महिलाएं पकड़ी गई हैं, यह अधिकांश नागालैंड, आसाम सहित अन्य प्रांतों की हैं। इधर पुलिस कप्तान ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी ताकि शहर से स्पा सेंटर के आड़ में चल रहे गलत धंधे पर लगाम कसा जा सके। वहीं कप्तान ने कहा कि महिला थाना प्रभारी अर्चना द्विवेदी के द्वारा बेहतर कार्रवाई की गई है, जो सराहनीय है। इधर बता दें कि जिला मुख्यालय में स्पा सेंटर संचालकों के द्वारा अन्य प्रांतों से लड़कियों को लाकर बहला फुसलाकर उनसे जिस्म परोसी के धंधे में ढकेला गया था। बता दें कि लंबे अरसे से चल रहा था सेक्स रैकेट। इधर बता दें कि जिला मुख्यालय बैढ़न सहित बिननगर नवानगर क्षेत्र में चल रहे स्पा सेंटर के आड़ में जिस्म परोसी का धंधा फल फूल रहा था। स्पा सेंटर में छापामार कार्रवाई की क्या कुछ पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि शहर में कुछ स्थानों पर स्पा में अनैतिक गतिविधियाँ चल रही हैं। उस सूचना को वेरीफाई करने के लिए जो है जिला स्तर पर टीमें बनाई गई, जिसमें थाना प्रभारी महिला श्रीमती अर्चना द्विवेदी और श्री अशोक परिहार और हमारी सब इंस्पेक्टर रूपा अग्निहोत्री और मनोज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमारा पूरी 6 टीमें रवाना की गई थी, और जिनके द्वारा 4 स्थानों पर जो है रेड की कार्रवाई की गई, जहाँ 2 स्थानों पर जो है इस प्रकार की गतिविधियाँ पाई गई हैं। और इन जो स्पा सेंटर इस प्रकार की जहाँ पे अनैतिक व्यापार की चीज़ें पाई गई हैं, उनमें 777 और 1 सुधांशु अंजलि करके जो है स्पा सेंटर्स हैं, उनके दोनों मालिकों के विरुद्ध, उनके मैनेजर के विरुद्ध जो है इसमें पीटा एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इस कार्रवाई के दौरान जो है एक स्पा सेंटर से 9 बच्चियों और महिलाओं को और एक स्पा सेंटर से 4 बच्चियों और महिलाओं को जो है वेस्ट किया गया। क्या नाबालिग बच्चे हुए हैं इसमें? इस संबंध में पुलिस पड़ताल कर रही है।